उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को ट्रैक्टर ट्राली से यात्रा करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए, लेकिन अधिकारी सीएम के इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने में पीछे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बुधवार को ट्रैक्टर ट्राली पर 30 से 40 की संख्या में लोग यात्रा करते दिखे। इतना ही नहीं, पिकअप वाहन में भी क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर यात्रा कराया जा रहा है। इससे कभी भी कानपुर बांदा की तरह बड़ी घटना हो सकती है। कानपुर में 4 दिन पूर्व ट्रैक्टर तालाब में पलटने से 25 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए, साथ ही कानून बनाकर उसे भी सभी जनपद में लागू कराने की अपील की। लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गया। आज बुधवार को विजयदशमी पर सैकड़ों लोग ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर यात्रा करते दिखे। शहर के बाईपास मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली पर 30 से अधिक लोग सवार थे। इनमें अधिक मात्रा में बच्चे और महिलाएं बैठी थी। आईएनए के लिए बहराई से संवाददाता राहुल सोनी की रिपोर्ट। क्या ना, कहाँ के रहने वाले हो? थाना? 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 यहाँ किस चीज से आए हो? अभी तुम ट्रैक्टर ट्राली लेकर आया हो, कहाँ से लाए हो? कहाँ पर लाए हो? किस लिए? कितने लोग हैं इसमें ट्रैक्टर ट्राली में? 50 लोग थे। मैं अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बहराइच अपने बहराइच की सम्मानित जनता से अनुरोध करता हूं कि कृपया ट्रैक्टर ट्राली पे भार ढोने वाले वाहनों पर कृपया सवारी न करें। साथ ही साथ अपने बच्चों से भी हम अपील करते हैं कि अपने अभिभावकों को ऐसा करने से रोकें। समाज के हर वर्ग से मेरी अपील है कि कृपया, कानपुर नगर में एक बड़ी घटना हुई है और उसके मद्देनजर सभी लोग जागरूकता सभी के अंदर आए और इस तरह के सवारी वाहनों जो भार ढोने वाले वाहन हैं जिसपे भार ढोने का काम होता है, कृपया उस पर सवारी न करें, क्योंकि उसमें कंट्रोलिंग पावर भी बहुत अच्छी नहीं होती। साथ ही साथ जनहानि भारी संख्या में होने की उम्मीद होती है। लिहाजा ऐसे अपने बच्चों की अपने परिवार की हिफाजत के लिए, स्वयं की हिफाजत के लिए, देश की संपत्ति की हिफाजत के लिए कृपया ऐसे वाहनों पर सवारी न करें। धन्यवाद।